हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी चटपटा क्रिस्पी करारा स्नैक्स रेसिपी, और साथ ही साथ हम इसके लिए बनाएंगे दो प्रकार की चटनी, जिससे और भी टेस्टी लगने वाला है। यदि आपके रेसिपी पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके बताना ना भूलें। तो सबसे पहले हम गार्लिक चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 50 ग्राम जिंजर लिया है, 20 से 25 हमने यहाँ पर लहसुन ली है, 100 ग्राम यहाँ पर हमने धनिया ली है। आप यहाँ पर चाहें तो 4 से 5 मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसे पानी डालकर हम अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना लेंगे। इस चटनी को हम सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, चटनी हमारी तैयार है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं हफ्तों तक। अब हम बना लेंगे टमाटर की चटनी। तो इसके लिए हमने 2 टमाटर लिए जिसे हमने ऐसे चॉप कर लिया था, 1 मेस ले लिया है, लहसुन की कलियाँ ले ली हैं 7 से 8, धनिया ले लिया हमने यहाँ पर 50 ग्राम, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और बस इसे सिंपल सा अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी टमाटर की बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब स्नैक्स बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर 1 बाउल, और इसमें हम डाल देंगे 2 कप बेसन। तो ये 2 कप बेसन है। इसमें डालेंगे हम 1 कप चावल का आटा। तो आप चाहें तो आधा ले सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर 1 कप ले रही हूँ, तो इसी तरह से आप भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, दोनों को ही मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल दिए हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। जीरा डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बारिश के मौसम में ये स्नैक्स बहुत ही पसंद आने वाला है आपको। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी इसमें डाला है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही लाइट, फ्लफी और क्रीमी टेक्सचर का बन गया है। इसको बनाने में 2 से 2.5 कप के लगभग पानी लगा है हमारा। अब हमने जो चटनी बनाई थी गार्लिक वाली, वो हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून। इससे ही बहुत टेस्टी हमारे इस स्नैक्स का फ्लेवर आएगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली कम ऐड की है, क्योंकि ये बच्चों के हिसाब से भी बन रहा है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे हमने डाल दिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। बेकिंग सोडा डालने से ये थोड़ा सा और भी क्रिस्पी बनेगा, अगर आपको स्किप करना हो तो आप कर सकते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दें। नमक हमें एकदम बिल्कुल लास्ट में डालना है। तो ये देखिए, बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लौकी। तो यहाँ पर लौकी को मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, और मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग की लौकी ली थी। ये छोटी वाली है, जो बेबी वाली आती है वही है। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप इसके 4 भाग में भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसे पकौड़ों की तरह हमें फ्राई कर लेना है। तो तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और बस हमें हमारे बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप करना है और इनको फ्राई कर लेना है। चाय के साथ ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी लगता है। पानी गिर रहा हो और आपको ये मिल जाए एक प्लेट में, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। लौकी का बना हुआ है तो बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। तो इसे गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इन्हें पलट पलट कर बहुत ही अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सिंपल इसे बेसन के साथ भी बना सकते हैं, तभी ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से इनमें गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करें, और ये बहुत ही जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं। ये देखिए, इनमें बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं बाहर, और हमने जो टमाटर की चटनी बनाई है उसके साथ आप इन्हें सर्व कीजिएगा। टोमेटो सॉस में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर अपनी मनपसंद चटनी में। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारी और चटपटी लौकी के पकौड़े। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।